अगर एक्वा गार्ड की मैग्ना मशीन रिसेट करने के बाद भी रेड लाइट ब्लिंक कर रही है तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो देख सकते हैं, जैसे कि आप मशीन मैंने चालू किया है और ये कंटिन्यू रेड लाइट ब्लिंक करती है। मैं इसका पावर हटा के फिर से दोबारा चालू करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं इसका पावर हटा दिया हूँ और दोबारा फिर से लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये मशीन प्रोसेसिंग में है, अभी ग्रीन लाइट आ रही है, देखिए तुरंत रेड लाइट ब्लिंक हो जा रही है। इसका मतलब आपका इस मशीन में कुछ फॉल्ट है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट है। अब क्या फॉल्ट है देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी मशीन में रेड लाइट आ रही है, कंटिन्यू स्टेबल है, ब्लिंकिंग नहीं कर रही बल्कि स्टेबल है, तो आपको यूवी चेक करना है। मैं यूवी खोल करके देख लेता हूँ इसमें क्या इशू है। तो देखिए मैं इसको खोल लेता हूँ अब, और इसको मैं यूवी सिंपली यहाँ से खुल जाती है। पहले आपको यहाँ पे निकाल देना है, निकाल दिया मैंने। देखिए यूवी इसकी खराब हुई और ये यूवी इसको निकाल देना है, और इसको मैं लगा देता हूँ दूसरा यूवी। तो देखिए इस टाइप से ये यूवी लैंप लगा देना है, इधर लगा दिया है और इधर वाला इधर लगा देना है। तो मैं इसको चैम्बर के बाहर ही लगा रहा हूँ और इसको मैं चला करके देखता हूँ। इसको मैंने दिया है लगा, अब मशीन प्रोसेसिंग में है, स्टार्ट हो रही है। देख रही यूवी लैंप चालू हो गई, देख सकते हैं मशीन चालू हो गई, यूवी लाइट जल रही है और ब्लू लाइट भी ब्लू जल रही है। देख सकते हैं मशीन बहुत अच्छी से तरीके से स्टार्ट हो गई, पंप भी इसका चल रहा है, कोई इशू नहीं है इस मशीन में। अब मैं मशीन वीडियो बना रहा हूँ तो यूवी लैंप मैं देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि यूवी लैंप देखना बहुत डेंजरस होता है, आँखें आपकी ख़राब हो सकती है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो आपका यूवी लैंप इस टाइप से इसको चेंज कर देना है और कोई इशू नहीं आएगा।